और इधर राजधानी रायपुर के ललित महल में गुंजन आयोजन ने ढोलिका 2024 का शुभारंभ किया। इस उत्सव की शुरुआत माता की आरती से हुई और जैसे ही दीप जले और मंत्र गूंजे तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम में आरती के तुरंत बाद गरबा नृत्य की शुरुआत हुई, जहां मौजूद लोग झूम उठे। रंग बिरंगे पोशाकों में सजे धजे लोग पारंपरिक गीतों की धुन पर जमकर थिरके। गोल घेरे में गरबा करते हुए लोगों के थिरकते कदमों से पूरा ही ललित महल प्रांगण गूंज उठा। यहां पर हर कोई एक दूसरे के साथ जुड़कर संस्कृति की डोर में बंधा हुआ नजर आया। इस ढोलिका आयोजन में भारी संख्या में लोग परिवार समेत शामिल होने के लिए पहुंचे। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने गरबा नृत्य को पूरी तन्मयता के साथ किया। महिलाओं के पारंपरिक परिधान संस्कृति और विरासत की छटा बिखेर रहे थे। और इतना ही नहीं, कार्यक्रम में महिलाओं के साथ पुरुष प्रतिभागियों ने भी पूरे उत्साह के साथ गरबा नृत्य किया। उनके परिधान और जोश ने खुशनुमा माहौल बना दिया। संगीत के साथ ढोल की थाप ने भी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ सामूहिक एकता और सहयोग की भावना को उजागर किया। गुंजन आयोजन की खास बातें ये थी कि इसमें हर वर्ग और उम्र के लोग शामिल हुए। ढोलिका 2024 ने गरबा के जरिए परंपराओं के साथ समाज को जोड़े रखने का भी संदेश दिया। तीन का हमारा ये 3 वर्षीय द्वारा ये लगातार आयोजित किया जा रहा है। इसमें परंपरागत ड्रेस और परंपरागत गाने के द्वारा ही इस गरबा का आयोजन किया जाएगा। काफी दिख रहा है उत्साह। हम लोग भिलाई से आए हैं। भिलाई में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था।